बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने 1.3 के पहले 6 क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इक्वेशन दी गई है एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस 4 इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। मतलब ये वाली जो वैल्यू दी गई है ये उसका रेसिप्रोकल दिया गया है, उसका उलट दिया गया है। हमने इसको इस टाइप ऑफ इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह रिड्यूस करेंगे, इसको लेट कर लें। ये जो हमारे पास वैल्यू है एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री, इसको आप इज इक्वल टू वाई सपोज कर लें। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें यानी 1/y करें, ये हो जाएगा जी एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स। अब ये इसकी जगह पर y और इसकी जगह पर 1/y पुट कर दें। हम क्या करेंगे जी, बाई पुटिंग लिख देते हैं यहाँ, बाई पुटिंग वैल्यूज़ g। यहाँ क्या आ जाएगा जी, y प्लस 4, ये क्या आ जाएगा जी 1/y इज इक्वल टू 4। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि y प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4/y इज इक्वल टू 4। अब हमने तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में y आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें। लिख दें यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y। क्या हो जाएगा जब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा जी y स्क्वायर प्लस यहाँ 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ये जो 4 के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि y स्क्वायर ये प्लस 4y, इधर क्या हो जाएगा जी माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लें, 4 है तो आपको क्या चाहिए 2 और 2, ये 4 है ना, यहाँ आपको माइनस 4 चाहिए, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 से, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है जी y माइनस 2, इन दोनों में भी क्या कॉमन है जी माइनस 2, y माइनस 2 को इकट्ठा करके लिखें जी y माइनस 2 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये भी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ भी y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो था x की सेंस में था, हमारे पास किस में आ रहा है आंसर, y में। अब ये वाली जो y किसके इक्वल था, वो ही आके ला के यहाँ पुट करें। अब इस y की जगह पर लिख दें y पुटिंग वैल्यूज, क्या वैल्यूज हैं जी, y की जगह पे आ जाएगा जी x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये फैक्टर जो है इधर डिवाइड हो रहा है x माइनस 3, उधर जा क्या हो जाए जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यूँ लिख सकेंगे। फिर x इज इक्वल टू इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 6। अब ये 2x और इनको इधर ले आएँ x, ये वैल्यू इक्वल किधर आ जाएगी माइनस 2x माइनस 6 है तो ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का x है माइनस का x है तो माइनस 2x में से x को ऐड किया तो ये माइनस एक्स बच गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस एक्स इधर प्लस है उधर जाकर 6 माइनस हो गया तो x इज इक्वल टू 6 आ गए। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा जी 6, ये आंसर है। क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, 4x ओवर प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस, इसी का रेसिप्रोकल दिया गया 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/6। वेरी सिंपल। देखिए इसको भी हमने इस टाइप को भी रिड्यूस करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम इसकी जगह पर लेट वाई कर लेते हैं जी, इसको क्या बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, कि लेट वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसको उल्टा दें, उलट ले लें यानी इसका, ये हो जाएगा जी 1/y, ये माइनस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 4x माइनस 1 ओवर प्लस वाली आप नीचे लिख दें, ये उसका रेसिप्रोकल आ गया यानी उलट आ गया। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, बाई पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, इन अबाउ इक्वेशन कहते हैं, चलो
जी इसकी जगह पे क्या आ गया जी, वाई प्लस ये क्या बन जाएगा, वन ओवर वाई इज इक्वल टू, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, उसमें 1 ऐड करें 13/6। अब इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 6 को भी ख़त्म करने के लिए अब इन को 6y से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। देखें किस तरह, एक तरीका कार ये है। दूसरा ये कि आप जस्ट इस साइड का एलसीएम ले लें और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। कैसे देखें, अगर हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, लिख दें यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय, बल्कि 6 ख़त्म करने के लिए भी इस वाई और यानी जो डिनोमिनेटर में आपके पास 6 है और वाई, इसी से मल्टीप्लाई कर दें। एक ही स्टेप हो जाएगा। जब ये 6y से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 6y² प्लस, जब ये वाला फैक्टर 6y से मल्टीप्लाई होगा तो वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 6 बच जाएगा। और जब 13/6 जो है 6y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 13, 6 से 6 कट जाएगा, 13y बचेगा। अब 6y² ये इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, -13y+6=0 आ गया जी। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी ax² + bx + c की फॉर्म में आ गई। अब हमने इसको क्या कराना है जी, फैक्टराइज करवाना है। अब आपको पता है 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 36। बनाए यहाँ फैक्टर्स। अब हम चाह रहे हैं कि जी 36 के इस तरह के दो पेयर बने कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास आया जी -13 जी। अब 9 4s are 36, तो ये 9 और ये 4, क्योंकि हमें -13 चाहिए तो इधर भी माइनस लगा दें, इधर भी माइनस, और ये वैसे प्लस का आ रहा है। चलें जब 6y² इस -13y की जगह पर -9y - 4y + 6=0 जी बेटे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी, y भी है और 3 भी है, यानी 3y कॉमन ले लें तो ये 2y - 3, इधर -2 कॉमन लें तो ये 2y - 3=0। अब ये जो कॉमन है इसको यूँ सेपरेट कर लें, 2y - 3 × ये 3y - 2=0। आप दोनों को लहदा लहदा 0 को इक्वल कर दें, 2y - 3=0, ये आ जाएगा जी 3y - 2=0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, यूँ y जो है ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास y की ये वैल्यू है। सिमिलरली इस साइड पे ये 3y = -2 है तो +2 हो जाएगा, और y आ जाएगा जी ये 2/3। अब हमारे पास जो ये रूट्स आई हैं ये वाई के सेंस में आई हैं, बट हमारा क्वेश्चन किस में था, एक्स में था। हमने वाई किसके इक्वल पुट किया था, ये वाली वैल्यू (4x + 1)/(4x - 1)। अब इसको इसके इक्वल है, हम यहाँ वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, लिख सकते हैं वाई पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, हाँ जी इसकी जगह लिखेंगे जी आप 4x + 1/(4x - 1)= ये 3/2। बिल्कुल इसी सेंस में यहाँ भी इस y की जगह पर भी 4x + 1/(4x - 1)= 2/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस वैल्यू को इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको पहले कर लें 3 × 4x - 1 = 2 × 4x + 1, मल्टीप्लाई करें ये 12x - 3 = 8x + 2। इनको सबको इधर ले आए, 12x - 3 - 8x - 2=0। 12 में से 8 गया तो 4x - 3 और -2 - 5=0, तो 4x = 5 और x = 5/4, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऑन दिस साइड इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि पहले इस पेयर को लिख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कौन सी मर्ज़ी है जी, देखें आपकी मर्ज़ी, पहले इस पेयर को पहले लिख लें या इसको, इसमें हमने इस वाले पेयर को पहले लिखा, इसमें हमें इसको लिखा, तो ये कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2, तो 12x प्लस 3 माइनस, इनको इधर ले आए, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 12 में से 8 गए तो 4x प्लस का 3 और प्लस का 2, ये प्लस का 5 बन गया। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ये इधर प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5, बट x इज इक्वल टू माइनस 5/4। ये हमारे पास, अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, इधर सेंटर में लिख दें जी, क्या है जी सोल्यूशन सेट, एक x की वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये 5/4 और ये माइनस 5/4, ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 7/12। ये भी बिल्कुल पिछला जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी टाइप का है। इस इक्वेशन को भी पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। किस तरह करेंगे जी, लेट कर लें कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू x माइनस a ओवर x प्लस a है। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 ओवर y, वो क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू x प्लस a ओवर x माइनस a। अब यही वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर दें, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी, y प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, और ये क्या आ जाएगा जी, 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये 12 और y जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इनको ख़त्म करने के लिए इसी से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें। लिखें जी मल्टीप्लाइंग बाय 12y। आप जब इस y को मल्टीप्लाई करेंगे 12y से, ये बन गया 12y² माइनस, यहाँ y से y कट जाएगा सिर्फ 12 बच जाएगा, और यहाँ 12 से 12 कट जाएगा तो ये 7y बन जाएगा। अब ये 12y² है जी, ये प्लस 7y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आता है जी 144। अब इस 144 के इस तरह के पेयर बनाएं कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 7 बचना चाहिए जी। हमने ये देखना है कि जी अब 144 जो है हमारे पास माइनस का हो, इस तरह का दो हमें वैल्यूज़ मिल जाएं, अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 144 आए। तो अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 16 9 = 144 होता है, बड़ी वैल्यू को माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, इस तरह ये हमारे पास माइनस 7 भी आ रहा है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आ रहा है। अब यहाँ पुट कर दें जी 12y², इस माइनस 7y की जगह पर आपने ये दो वैल्यूज लगा देनी है, माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी, 4y, तो ये आ जाएगा जी 3y माइनस ये 4, और इधर सिर्फ 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 3y माइनस 4 इधर भी है इधर भी है, इसी को कॉमन ले लें, 3y माइनस 4 इंटू 4y प्लस 3, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें। आप इनको लहदा लहदा इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन्हीं वैल्यूज को आप यहाँ ले आए, देखें जी ये 3y, ये इधर माइनस था तो इधर आएगा क्या हो जाएगा जी, प्लस 4। इसी तरह ये 4y प्लस 3 था, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें यहाँ y की वैल्यू चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो। अब हमारा ये y की फॉर्म में रूट्स आ गई हैं, बट हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो a की x वेरिएबल की फॉर्म में था, तो ये y में आया, हमने ये वैल्यू स्टार्ट में लेट की थी। अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर x माइनस a ओवर x प्लस a यहाँ पुट किया था, यानी इसकी जगह पर y पुट किया था, अब इस y की वापस ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या है वो जी, लिख देंगे by putting values
क्या आ जाएगा जी, एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। इसी तरह यहाँ भी यही काम करें, इस वाई की जगह पर भी एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ठीक है जी, प्लस इज इक्वल टू -3/4। अब देखें जी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोशिश क्या करेंगे बड़ी वैल्यू वाला फैक्टर पहले ले लें, यानी ये वाला पेयर है एक और एक ये पेयर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, आपकी अपनी मर्जी है कि ये वाला पेयर पहले लिख लें या ये वाला पहले लिख लें, तो कोशिश करेंगे ये बड़ी वाला लिख लें ताकि वो फिर माइनस करने में आसानी होती। तो ये पेयर ये हो गया एक्स प्लस ए, यानी इसको इसको इज इक्वल टू ये 3 × x - a, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x + 4a, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x - 3a। आप सारी वैल्यूज़ को इधर ले आए, 4x + 4a -3x + 3a इज इक्वल टू 0। 4x में से 3x गया, x बच गया, 4a ये भी प्लस का है, 3a भी प्लस का, तो ये बन गया +7a। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, ये इधर प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा जी माइनस, तो ये आपके पास x की एक वैल्यू आ गई। ऑन द सेम बेसिस इधर देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये 4 × x - a इज इक्वल टू 3 × x + a। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी 4x - 4a, ये आ गया जी 3x + 3a। सबको उठा के इधर ले आए, ये -3x हो जाएगा, ये -3a इज इक्वल टू 0। अब 4x में से 3x गए तो x, माइनस का 4a, माइनस का 3a, तो माइनस का 7a इज इक्वल टू 0। ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस, यूँ हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है x की वो +7a आ गई। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -7a एंड 7a। आप इसको इकट्ठा प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं।